नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग, 18 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 10 लाख रुपए का लगा जुर्माना। त्रिपुरा के अगरतला से रैगिंग का एक मामला सामने आया है। बता दें कि अगरतला के हापनिया स्थित त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के 18 छात्रों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज ने आरोपियों पर सामूहिक रूप से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक साल के लिए हॉस्टल से निलंबित करने और 6 महीने तक आरोपियों के मोबाइल पर नजर रखने का आदेश दिया है। छात्राएं करें सीनियर्स को प्रपोज, वरिष्ठ छात्रों पर जूनियर छात्रों को सिर मुड़वाने और धमकी देने और छात्राओं को अपने वरिष्ठों को प्रपोज करने के लिए मजबूर करने आदि का आरोप लगाया जा रहा है। आंतरिक जांच करने पर कॉलेज ने पाया कि आरोपी छात्रों ने नए प्रवेशित 2024 MBBS छात्रों, विशेष रूप से ST छात्रों को बार बार गाली दी, धमकाया और अपमानित किया। उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश के माध्यम से अपमानजनक गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया। उल्लेखनीय है कि भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के दौरान सामूहिक रूप से सिर मुंडवाना एक प्रकार की रस्म बन गई है, तथा हर साल मीडिया में छात्रों के सिर मुंडवाने की खबरें और तस्वीरें सामने आती रहती हैं। छात्रों को दिए गए थे गाना गाने के निर्देश। एंटी रैगिंग NGO सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशनल ने पीड़ितों से शिकायत मिलने पर कॉलेज और UGT एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की। पीड़ितों को नमूना तस्वीरें दिखाई गई कि कैसे उनके सिर मुंडवाए जाने थे। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकांश छात्राओं को अपने वरिष्ठों को प्रपोज करने और वरिष्ठों का मनोरंजन करने के लिए गाना गाने के निर्देश दिए गए थे। छात्रों को मिली सजा। NGO की ओर से अभियान का नेतृत्व करने वाली एंटी रैगिंग कार्यकर्ता रूपेश कुमार झा ने कहा, यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक अन्य कार्यकर्ता मीरा कौर पटेल ने कहा, यह सबसे बड़े मामलों में से एक है जिसमें किसी कॉलेज ने दोषियों को सजा दी है। पहले भी कई ऐसे मामलों में कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की घटनाओं को छिपाने की कोशिश की है। प्राचार्य डॉक्टर अरिंदम दत्ता द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कॉलेज ने शिकायतों की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की थी और शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।